टू चैनल। तो गाइस आज की रेसिपी है झींगा आलू पोस्त की। तो देखिए आज हम इसकी रेसिपी बना रहे हैं पोस्त देकर। तो इसे बनाने के लिए पहले हम पोस्त को भिगो लेंगे पानी में। गाइस हम इसे भिगोने दे देते हैं। स्टार्ट करेंगे इसे छीलने से। ऐसे गाइस हम इसे झींगाई बोलते हैं। बहुत जगह इसके नाम दूसरे होते हैं। आज हम झींगा की रेसिपी बना रहे हैं। गाइस यहाँ छिल चुके हैं झींगा आलू। हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। हम आलू को इस तरह काट लेंगे पीस पे, छोटे छोटे पीस करके। कट चुके हैं आलू की छोटे छोटे पीस। तो इस तरह से हम काट लेंगे। अब हम झींगे को भी इस तरह काट लेंगे। तो कट चुके हैं सारे झींगा, कट चुके हैं झींगा आलू और प्याज। तो मैं कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल भी। अब हम ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज हमारे आधा ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम आलू कटे हुए। हम पोस्त को पीस लेंगे सिलबट्टा में। तो पीस चुके हैं हमारे पोस्त। हमें आलू ब्राउन हो चुके हैं। ऐड करें हम कटे हुए झींगा। अब इसमें ऐड करें पीसे हुए पोस्त। ऐड करें नमक स्वाद अनुसार।
तो बन चुके हैं झींगा आलू पोस्तों की रेसिपी। अब इसे रख लेते हैं। तो गाइस आज की रेसिपी अच्छी लगी हो झींगा आलू पोस्तों की तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।